जी हर सोमवार की तरह वीर हरजीत सिंह जी साढ़े नाल गुरमत फिलासफी दे इसे विषय के उत्ते सांझ करते हैं। अज का जो विषय आप जी ने चुनिया है चढ़ती कला अते दृढ़ता, इंसान के अंदर जड़े ये दो गुण हैं ये उसके जीवन बहुत ही अहमियत रखते हैं। इस तरह का जीवन इंसान जिएगा बहुत हद तक इन्हों गुणों की होंद या अनहोंद के उत्ते निर्भर करता है। आओ वीर हरजीत सिंह जी पासों इन्हों के बारे अज के विचार गुरमत अनुसार सरवण करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। वाहगुरु 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 वाहगुरु। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। सम्मान जो गुरु सवारियो, अज असी एक अहम विशा चढ़ती कला ते दृढ़ता दे उत्ते कुछ विचार सांझिया करांगे। चढ़ती कला सिखी का एक संकेतक जिहा शब्द है। रोजाना अरदास विच दो समय सवेरे ते शाम की अरदास जदों असी करते हाँ ये असी एक लाइन पढ़ते हाँ, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला, जिसका अर्थ यह है कि वाहगुरु के नाल जुड़ के वह शक्ति हासिल करनी जिस नाल मनुख का दुख सुख उच्चा नीवा जन्म मरण हर हालत में वह उत्साही बनया रहे, आशावादी बने निराशावादी ना बने, दृढ़ विश्वास वाला हो, हर काम दृढ़ विश्वासी ते आशावादी होके करे, अपने जीवन के आदर्श नूं पूरा करन वालों कदम ना कदम जोड़ के अगे वधदा जावे। जिहड़ा असी रोज अरदास विच मंग करते हाँ सवेरे शाम नानक नाम चढ़दी कला, उहदा अर्थ भाव इहो ही निकलदा है। मनुख दियां जीवन दी असी कहानी जो देखते हैं शरीर की बनतर नूं तीन चीजा हन, उहदे विच तन मन ते असी आत्मा क्या कह सकते हैं। तन पंजां तत्तां दे स्थूल शरीर ते ज्ञान इंद्रियां दे मिलाप दा नाम है जिहड़ा तन है। मन उस तों सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, लुकिया छुपिया है, ये लुक छुप क्या है। आत्मा परमात्मा दी असी जदों गल करदे हां उहदी जोत है, जिहदा हुणे असी विचारां भी दूजी क्लास करके हैं। अंतकरण के चार भाग आम तौर पर विद्वाना ने फिलोसफरां ने दार्शनिकां ने मन्ने हन, मन बुद्ध चित ते हंकार। तो मन शरीर ये जां ये कह लवां कि इंद्रियां दीआं क्रियावां दा एक प्रेरक सूखमक तौर पर काम करन वाली शक्ति है। इंद्रियां नूं चलाउण वाली सूखमक तौर पर काम करन वाली एक शक्ति है जिहड़ी ये मन जिहनूं असीं कहिंदे हां। करदा की है क्योंकि चढ़दी कला का संबंध मन के नाल है, यह संकल्प करता है विकल्प करता है, किसी काम नूं करन दा इरादा करता है, फिर उस काम नूं छड़ देंदा इरादे नूं ढा देंदा काम भी करता है। ये वासना इच्छा श्रद्धा दया प्रेम उत्साह काम क्रोध भय ईरखा ये सारे मन के काम। बुद्धि का काम है चंगे ते मंदे दा निर्णय करना फैसला करना। मन किसी काम का ही संकल्प करता है, बुद्धि उसके चंगे ते माड़े होने का निर्णय करती है, जिन्हों असी मन बुद्ध कहने वह निर्णय करती है। फिर मन के आखे ज्ञान ते कर्म इंद्रियां जिहड़ियां हन हाथ नक कन पैर ये हरकत करते हैं। चित का काम जिहड़ा चेते रखना है, विचार या तजर्बे एकत्र करके रखना है। हंकार वो एहसास है जो एक मनुख की जात को दूजे नालों वंड कर दिता अड कर दिता है। ये हंकार की हंकार उस शक्ति का नाम जिहड़ा है मन्या गया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के विच
मन शब्द किसी थां ते आत्मा लई भी वरत्या गया है, किसी थां मंगड़ लई चेतनता दे लई भी वरत्या गया है। एक दो पंक्तियां जाके असीं जदों गल करदे आ, मन जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, इत्थे मन दा झुकाव आत्मा वल जदों होके अपनी मन होंद खत्म कर दिंदा, मन मिटा दिंदा, समझो उस वेले इहनूं आत्मा दा स्वरूप बन जांदा है और आत्मा कहिंदे ने। इत्थे वाहिगुरु दी अंश जिहड़ा वरत्या गया उस अवस्था का नाम है जिथे मन अपने हंकार की अपनी वक्रेपन की अपने अडरेपन की स्थिति तो निकल के पर मूल विच जुड़ जाता है, आत्मा का रूप बन जाता है। इत्थे गल कही जाती। फिर गुरबाणी से पंक्ति आती गुरु नानक साहब की, ये मन करमा ये मन धर्मा ये मन पंच तत् ते जन्मा। इत्थे मन तो मतलब आत्मा नहीं है, इत्थे पंच भूतिक चेतनता ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਉਨ ਮਨ ਰਹੇ ਤੋ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾਤੇ ਕਹੇ। ਗੋੜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 342 ਅੰਕ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਦੋ ਰੂਪ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਮਨ ਦੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦੋ ਨਿੱਕੀ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਬਦੀ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਲਵੇਗਾ, ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਉਧਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਲਏ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਰਹੇ, ਜੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਨ ਲੋਕੀ ਬਾਤੇ ਕਹੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨ ਲੋਕੀ ਬਾਤੇ ਕਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਸਰੂਪ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਰੂਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੋੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਥਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਥਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਾਲਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਨਤਨ ਖੋਜਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਚਾਹੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਚਾਹੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ 500 ਸਾਲ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸਦਾ ਮਨ ਕਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਸ ਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਦਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਕਾਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਪੁੰਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖਿੰਡੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹਾਲੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਆਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਗਮਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਥਰ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੀ ਖਿੰਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਦੀ ਮਤਾਂ ਖਿੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਰੱਖੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਭਾਵ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਇਹਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੀਏ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਢਿੰਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੰਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਟਿਕਾਓ ਜਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਈਏ, ਉਸਦਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੋਚਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਪਰੇ ਅੱਜ ਢਿੱਲਾ, ਅੱਜ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਕਹਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਚ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਹਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ, ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਲਈ, ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਸੱਬਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਤਾਕਤ, ਸਰੀਰਕ ਅਰੋਗਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪਕਿਆਈ, ਅਚਰਨ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
करैक्टर नूं किरदार नूं बिल्ड करना यह बड़ी जरूरी चीज़ है। जे मन नूं असीं पिछे लाउणा तां यह चीज़ां सानूं बिल्ड करनियां पैणगियां। दिमागी तौर पर हमेशा जागदे रहना, कदी दबाव नूं ताला ला के काम ना करो, सुचेत रहना, जागदे रहना, सुचेत रहना चाहिए। दिमागी तौर पर हमेशा सानूं सुचेत रहना पैंदा है। जीवन जिहड़ा है बदल फुलन वाली चीज़ है। जीवन कोई सुंगड़िया हुआ नहीं है, मुरझाया हुआ फुल नहीं है। मनुखा जीवन बदल फुलन वाली चीज़ है। सही विचार हो, सही निशाना हो, फिर ये दो चीज़ा हो, मनुख अपने फुल वांगू खिड़ सकता है। ये खुशबोत सिकंदी आ सकती है। सही विचार हो, सही निशाना हो, मंजिल ठीक हो, रस्ता ठीक हो, क्योंकि जीवन बदल फुलन वाला है, कड़ाऊ वाली चीज़ है। जदों ये चीज़ा साढ़े कोल होणगियां फिर एक खिड़े हुए फुल वांगू ये मनुख आप भी सुगंधी, केवल आप नहीं सुगंधी वंडन जोगा भी हो जाता, सुगंधी देन जोगा भी हो जाता है। असीं देखते हैं समाज में विचरदिया होया मैं सोशल एनीमल, बहुत सारे लोग साढ़े को इदा दे रहे हैं जिन्हां नूं असीं देखते हैं कि मानसिक शक्तियां की ठीक इस्तेमाल नहीं किया जाता, शक्तियां वीक कर देंगे, कमजोर कर देंगे। वो अपने भावों तो अपने संकल्पों के दृढ़ दृढ़ नहीं बना सकते, इरादों में पक्के नहीं होंगे। क्यों? वो काम कोई होर करना चाहते हैं, करते कुछ होर ने, बनना कुछ होर चाहते हैं, काम को होर करते हैं। पावर उन्होंने कलैरिटी नहीं है। अजिहे आदमी जिन्होंने करना बनना कुछ होर चुवे, रस्ता कोई होर चुन लवे, ये आदमी कभी जीवन च सफलता नहीं ले सकते। नो सक्सैस, बिल्कुल कोई सफलता नहीं। सफलता की आस रखनी तो मूँह चो ये कहें जाना दसो की करिए, दसो की करिए जी, दसो की करिए, यह दसो की करिए वाला सवाल जोड़ा है ना, ये अपने आप को फेल करने का एक सवाल है। दसो की करिए, यह सवाल कोई सवाल नहीं है। असं कई बार दसो जी हूँ की करिए, असी की करिए, क्यों साड़ी सोच में कोई लॉक हो गया, ताला लग गया, असी अपनी सोच में क्यों बंद करके बैठ गए। ये असफलता का एक सुनेहा देना है जो असं कहने दसो की करिए। क्यों नहीं असं अपने गुरु को पुछते, क्यों नहीं असं अपने अगवाई गुरबाणी तो लेंगे, क्यों असं लोगों के तरले करते हाँ, क्यों धर धिर धिर की गुलामी करते हाँ। धिर धिर की गुलामी गुरमत ने प्रवान ही नहीं की। बंदा बंदे का गुलाम हो गुरमत प्रवान नहीं करती। बंदा गुरु का गुलाम हो गुरु का गुलाम बन के जिंदगी जीवे, बंद का गुलाम ना हो। तो दसो की करिए एक सवाल ऐसा जहा है जेडे अपने आप को सफलता के मार्ग पर तोरन वाला सवाल है। जाना पूर्व में हो बचन वालों तो टिकाणा कहिए पहुँच जाइए, नैवर नो पॉसीबिलिटी, कोई टाणा है ही नहीं, पहुँच ही नहीं सकते, फिर पहुँच जावे। अजिहा कोई पदार्थ नहीं है जो साढ़े विचों निराशता कढ दे, सिर्फ सवाए सोच तो। दुनिया का कोई पदार्थ नहीं है जी साड़ी निराशता कढ दे, जां ये कह दईए कि इहो जी कोई चीज़ मंजिल नहीं है जिहड़ी रस्ते ते ना तुरीए ते कहीए साढ़े कोल आ जाए, ये नहीं हो सकता। मंजिल चल के साढ़े कोल आ जाए, नैवर। निराशता कोई पदार्थ भी जो निराशता विच भी साढ़े वाल खिंचया होया आवे, दुनिया च कोई पदार्थ इहो जिहा नहीं बणिया जिहदा सानूं पता ही ना होवे, रस्ता ही कोई ना होवे। असीं देखदे हां आ सूरज की रोशनी होंदी है, इहदे नाल बनस्पति वधदी फुलदी है, उहदे च वाधा हुंदा है। इसे तरह ही आशावादी होना जीवन नू रोशनी देना है, शक्ति देना है, जिवें सूर्य की रोशनी दे नाल बनस्पति वधदी है। इसे तरह आशावादी होना नाल जीवन विच भी साढ़े एक शक्ति आउंदी है। आशावादी होकर जो जिंदगी जीने ये कह लवां कि आशावादी मनुख निराशावादी जहर है, आशावादी एक अमृत है। आशावादी होकर जिंदगी जीवनी हाँ होएगा, जरूर होएगा, क्यों नहीं मिलेगा, असी करांगे, ये आशावादी है। ये आस रख के करनी चाहिए है। जेड़े बंदे पढ़ाई विच भी निराशावादी की रुचि रखते हैं वो चंगे नंबर नहीं लै सकते। पढ़ाई विच भी चंगे नंबर उन्होंने देना जेड़े आशा हाँ क्यों नहीं होएगा, सवाल करांगे, पेपर देंगे, पेज हाँ नंबर आने क्यों नहीं आने। तो ये आशावादी जी चीज़ा ने यह जरूरी है। निराशावादी जहर है, आशावादी एक अमृत है। ये साढ़े जीवन में सोहना सुहावना खड़ाव लैके जाता है आशावादी जोड़ा हमारा।
इस करके गुरबाणी जिहड़ी गल करदी है उहने सानूं इह गल समझाई है, अगाहा कुतरां पिछा फेर ना मुंझड़ा, नानक सिज विया अवार बोर ना होवी जनमड़ा। गुरबाणी ने इहो गल सानूं समझा दित्ती है आशावादी होण दी गल जिहड़ी है। असीं देखदे हां चुंबक हुंदा जिहनूं असीं मैगनेट कहिंदे हां, रेता दे विच जिन्ने मर्जी छोटे छोटे लोहे दे किनके खिलरे होण मैगनेट नूं खिच लैंदा। इसे तरह ही मनुख अपनी मानसिक शक्ति नाल संसार दे पदार्थां नूं अपने वल खिच सकता है, जिवें मैगनेट वांगू मानसिक शक्ति दे नाल खिच सकता है। मैगनेट है मानसिक शक्ति जिहड़ी है। मन नूं तगड़ा करन दे लई दिलेरी दृढ़ संकल्प होना, विश्वास करना, भरोसा करना, प्रसन्नता, ये खुशी, ये शुभ इच्छा रखनिया, ये जरूरी चीजा हैं मन नूं बलवान करने लई, तगड़ा करन दे लई। असीं हुण मन की गल कर रहे, मन की खुराक की है, यह खुराक देनी चाहिए है। दृढ़ इरादा होवे, दिलेरी होवे, विश्वास होवे, अपने प्रसन्नता होवे, शुभ इच्छा होण, इच्छावां साडियां वधिया होण। मन नूं ढेंदियां गलां विच लै जाण वालियां तीन चीजां हन, इक है कल्पना, एक है ईरखा, एक है डर। जां इह मैं होर अगे इहनूं थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि मन कल्पना होवे, ईरखा होवे, डर होवे, उदासी होवे, निराशता होवे, परेशानी होवे, घबराहट होवे, काली काली होवे, इह चीजां मन नूं हमेशा ही ढेंदियां गलां विच लैके जाणगी। काली काली हर जी बंदा हर वेले काला काला ही प्यार रहे, इह दे निराशता दी निशानी हुंदी है। दूसरे दे औगणा दा वधना जां दूसरे दे औगणा नूं अपने मन विच चितवणा, इह मन नूं नीवा करदा है, इह मन नूं ढेंदी कला विच लैके जांदा। दूसरे दीआं गलतियां, दूसरे दे औगणा नूं देखदे रहना, दूसरे दे औगणा दे उत्ते हमेशा अपनी अख रखनी, इह हमेशा मन नूं नीवे पासे लैके जाएगा। आटो सुजैशन जिहनूं असीं कहिंदे आ, स्वै प्रेरणा, सुजैशन अपने आप ते एकाग्रता दा मन ते बड़ा असर पैंदा है। जिहड़ी आटो सुजैशन है ये बड़ी जरूरी चीज है, ये मन ते बड़ा असर करती है। बहुत सारे आदमी मन कमजोर होने करके शरीरिक तौर पर भी रोगी हो जाते हैं। कई बलवान जिहड़े तकड़े हैं वह मन के तकड़े मन के कारण वड्डे वड्डे रोगों का मुकाबला भी जिहड़ा डट के कर जाते हैं, उन्हां तों रोगों तों बच भी जाते हैं। मन बलवान होवे तां हुण बुखार चढ़ जाए तो बंदा सिरी सिर सुट के बैठ जाए, लो जी मैं तो 104 बुखार हो गया, मैं तो हमें कुछ कर ही नहीं सकता, हूँ तो मैं उठना ही नहीं जी, हूँ तो मैं बचना ही कोई नहीं जी, ये गल्लां बंदे नूं ढेंदी कला च लैके जाणगी। हाँ जीवन च दुख होने ने, सुख होने ने, ये तो हो नहीं सकता, जीवन में हमेशा सुखां दा वासा होवे, जीवन में हनेरियां दे झक्खड़ भी झुलणगे, जिन्हें दुखां दे झक्खड़ भी झुलणगे, जीवन में जन्म भी होएगा, जीवन में मौत भी होएगी, जीवन में खुशी होएगी, जीवन में गमी होएगी, ये सारा कुछ होएगा। लेकिन ये गल असी सोचिए भी असी ये चीज़ा ना हो, ये हो नहीं सकता। ये रोग हैं जिहड़े चलते हैं, जिहड़े मन जिहड़ा बंदे दे अंदर बंदे नूं रोगी बना देंदे ने, जे बंदे दी विचार जिहड़े हैं ये ढेंदी कला दे होणगे। चढ़दी कला दे विचार हमेशा रखण दी लोड़ पैंदी है। बलवान मन होवे, तकड़ा मन होवे, तां रोगां दा मुकाबला करन विच बड़ा सौखा हो जांदा है। कई मन की शक्ति दे नाल दूजा नूं भी असीं खुश कर लैंदे हां। दृढ़ विश्वास नाल मानसिक शक्ति बहुत वधदी है, सफलता प्राप्त हुंदी है, सफलता प्राप्त हुंदी है। ढेंदी कला ते विचारां दे मन नूं रोकना ते चंगे ख्यालां वल उसनूं लाउणा जां किसे इक नुक्ते दे उत्ते एकाग्र करना, इन्हां चीज़ां का असर बहुत मन ते पैंदा है। जिस मनुख का आदर्श नीवा है वह कभी उच्चा नहीं हो सकता, सोच ही नहीं है उच्चा कितों बन जाएगा, उच्चा बन ही सकता। मनुख का सुभाग ही है कि जिंदगी विच उन्नति करे, दो ही पाखे ने, जां उन्नति करे ते जां अधोगति करे, मनुख दे दो ही पासे ने। सुभाग मनुख दा चाहिदा है उन्नति वाले पासे नूं सोचना। उन्नति तां होएगी जी मन स्थिर होएगा, मन दा स्थिर रहना तां जे होएगा। सारे वड्डे कम्मां दे जन्मदाता जिन्हां ने कम कीते हन, खोजां कीतियां, रिसर्च कीतियां हन, ये बड़े दृढ़ इरादे वाले सन। तुसीं देखो गुरु ग्रंथ साहिब दर्पण लिखण वाले प्रोफेसर साहिब सिंह जी ने
लगभग 14 साल उसने मेहनत की, दृढ़ किन्ना इरादा होगा, किन्ने शरीर कष्ट रस्ते आए, किनिया बीमारियां आई, मंजे ते लम्मे पे हुए भी वो कम करते रहे। देखो तुसी इरादा देखो किन्ना दृढ़ सी, दृढ़ संकल्प सी, तो वह दर्पण पूरा हो गया। मैं तो उन्होंने जीवन कहानी जो तो पढ़ी सी तो कमाल की दृढ़ता उन्होंने जीवन के देखने मिली, इन्नी मेहनत इन्ना दृढ़ इरादा, सेहत ठीक नहीं तो फिर भी कम किया जा रहा, जिहड़ा घर च कोई मिलन भी आता सी उहदा सवाए गुरबाणी तो गल नहीं करनी, उहदे बारे गल करो जो उन्हों का प्रोजेक्ट चल रहा है, उन्होंने सामने निशाना ही एक सी मच्छी की अख वांगू भी मैं ये काम पूरा करना है ते कीता। मनोविज्ञानक भी गल मनते ने भी ख्याल दो तरह के होंगे, एक वो जो अपने मन च पैदा होंगे ने, दूसरे वो जो दूजे पासों असीं ख्याल लैंदे हां, आम तौर पर यह गल एक मनी जाती है। अपने मन विच पैदा हुए ख्याल जिहड़े उह तकड़े हुंदे आ ते दूजियां पासों ख्याल जिहड़े ने कमजोर हुंदे ने, ख्याल करना दूजियां दे आखे लग के दूजियां दे विचार लै के वह ख्याल वह हमेशा कमजोर हुंदे ने जिहड़े ख्याल हुंदे ने। मन दे दो तरह दे मन विचार बनते ने, एक अपने एक बाहरों लैणे, बाहरले बार हमेशा कमजोर हुंदे ने। ख्यालां दी नीह हमेशा पक्की रखण दी लोड़ पैंदी है, जे नीह कमजोर है इमारत नहीं उसर सकती, जिहड़ियां नीहां कमजोर होंदियां ने वह इमारतां डिग पैंदियां, बनदियां बनदियां डिग जांदियां, कई बार ढहदियां ने कई बार बनदियां ने, क्योंकि नीह पक्की नहीं कीती, क्योंकि मनुख दे ख्यालां दी नीह पक्की होवेगी तां उहदा ख्यालां दे उत्ते ही मनुख दा किरदार घड़िया जाएगा, आचरण बनेगा उत्थे घड़िया जाएगा। जेकर असीं सोचदे हाँ तां उह सोचण दे लई इहदा ना उतले उतला ना सोचो, किसी चंगी चीज नूं सोचण लई उहदा रूप बन के सोचो, उहदे विच कुंभ के सोचो। जे कोई काम करन लगे तो काम दे विच लीन होके काम करिए, उतले मन नाल काम ना करिए, यह सफलता की कुंजी है, यह दृढ़ इरादा है, दृढ़ता है, इहनूं भी चढ़ती कला का कोई दूजा रूप है। आम तौर दे उत्ते मन नूं सारियां शक्तियां दा केंद्र जिहड़ा बहुत सारे स्कॉलर ने मनिया, सारे रचना विच मनुख नूं श्रोमणी मनिया गया है। असीं पहलां भी गल कीती है कि मनुख सारिया जीना का सरदार है, सिक्खी ने मनिया कि मनुख सारिया जीना तो उत्तम है, सारिया का सरदार है, पर यह सारिया शक्तियां का केंद्र नहीं है, ना ही इसका मन अपने आप चढ़ती कला रह सकता है, इसलिए नानक नाम चढ़ती कला कहा गया। शक्तियां का केंद्र वाहिगुरु है, नाम नाम है, नाम राही चढ़ती कला होनी है, शक्तियां का केंद्र उन्होंने मनिया, इसी करके नानक नाम चढ़ती कला की गल की गई है। तो उस गुरु साहब जी ने अरदास सानू बार बार ये गल की है कि जदों शक्तियां का केंद्र वाहिगुरु है उहदे नाल जुड़ के ही मनुख का मन तकड़ा ते बलवान हो सकता है, इसे करके नानक नाम चढ़ती कला भी नाम उहदी यार उहदा प्यार उहदी मुहब्बत चढ़ती कला जीवन च उहदे विचों होनी है तां ही होएगा। जिदा एक पानी फुहारे का पानी है किसी जगह तो आता है टैंकी विच आता है जां पिछों पानी आता है, इस तरह मन दीआं शक्तियां दा सोमा वाहिगुरु है, परमात्मा है, मन दी शक्तियां उत्थों आउंदियां हन, तां उहदे नाल जुड़ करके सब शक्तियां पैदा होंदियां ने ते उहनां दी वरतों सही हुंदी है। जे बंदा ये सोचे कि मेरियां शक्तियां दा केंद्र वाहिगुरु है, जे ये गल सोचे जे नहीं इरादा होर होवे तां फिर सफलता हाथ नहीं लग सकदी। इसे करके मैं बार बार गल लाइन दोहरा रहा, दो बारी असीं पढ़दे हां नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला मंगण दी जाच मनुखता दी जाच, किन्ना कुछ सिखण नूं मिलदा है, पर खुद होना कित्थों है, नाम दे विच्चों, उस याद विच्चों, उस प्यार दे विच्चों। जे असीं भारत की गल करिए हिंदुस्तान की गल करिए इत्थे मानसिक शक्तियां प्राप्त करने लई जप किए जाते, तप किए जाते, संजम किए जाते, योग साधना कीतियां जांदियां सन। पछम की गल करिए उन्होंने अपने तरीके वरते, योग दे साधन करिए रिधियां सिद्धियां समाधियां लाउणियां ये इस तरह करते जाए, इधर करिए हिपनोटाइसिज्म मैसमरिज्म की गल जिहड़ी आ उह चलदी है। सिख धर्म विच चढ़दी कला दा कारण ते उहदा मूल उहदा सोमा कि सर्व कला समर्थ वाहिगुरु अते गुरु नाल जुड़ना मन्निया गया है। चढ़दी कला दा जराज है, इत्थे होर कोई सूचा नहीं, ना कोई जप तप साध
ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸੋਮਾ, ਸੋਮਾ ਦਾ ਬੰਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੀਏ, ਪਰ ਮਨ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵੇ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਉਹੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿਵੇਕ ਰਹੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਏਕ ਸਮਾਨ, ਤਿੰਨਾ ਨਦਰੀ ਇੱਕੋ ਆਇਆ ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣ। ਸਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1418 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੋ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਨਮੁਖ ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਹਰ ਸੁਰਤ ਨਾਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੋ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ, ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਿਰਬਲ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਗੱਜੇ, ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਲੋਕ 12 ਦੇ ਵਧੀਕ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਯੂਥ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਕਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੁਢੇਪਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਜ਼ਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਡਰਾਇਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤਿਆ, ਅੱਗ ਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹੱਥ ਬੈਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤਰੇ ਹੋ ਸਮਾਏ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਨਮੂਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਖਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਕੱਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਿਸਾਈ ਧਰਮ ਭੰਗ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਊੜ ਮਾਵਤ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੇ ਨਾਹੀਂ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਭਾਲ ਵੀ ਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਕਿਹਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਸ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਲਾਲੋ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਲ ਸਫਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਸਫਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਔਕੜਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹਟਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
उन्हां दा पूरा भरोसा सी कि अटक वर्गे दरिया भी साडे रस्ते नूं नहीं रोक सकणगे जे साडा गुरु ते उत्ते विश्वास ते भरोसा बणिया होवेगा। उन्हां दा पूरा इरादा सी, उन्हां दे अंदर इक विश्वास सी कि असीं मुगलां दी सफाई कर देनी है क्योंकि इन्हां ने राज बड़ा जुलम दा कीता, भाव जुलमी राज नूं खत्म करन दा दृढ़ इरादा सी इन्हां गुरु प्यारियां दे अगे। जे असीं देखदे हां, देखो मुगलां दे मुगलां हथों सिंघां ने 40 साल कष्ट झले। गुरु गोबिंद सिंह तों बाद दी गल कर रहे हां, 1500-1716 बाबा बंदा सिंह दी बहादुर शहादत हुंदी है। कहिंदा देखो सही करके इरादे दी गल तां करके देखिए, उत्थे किन्ना इरादा सी। एदों वड्डा इरादा की होवेगा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर दा शरीर जमूरां दे नाल नोचिया गया, गर्म जमूरां नाल नोच दिता गया, बाबा बंदा सिंह बहादुर दी इक अख कढ दित्ती गई, बाबा बंदा सिंह बहादुर दे बच्चे दा 4 साल बच्चे दा दिल कढ के उहदे मूंह विच तुन दित्ता गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर अडोल समाधि ला के बैठा होया कि उहनूं पीड़ा नहीं सी हुंदी। रक्षिया ने सवाल किया, ओ बंदिया तैनूं पीड़ा नहीं हुंदी, तेरियां अखां कढ दित्तियां हन, तेरे बच्चे दा सब तो प्यारी चीज गृहस्थी नूं उहदा पुत्तर हुंदी है, ते तेरे उस पुत्र दा दिल कढ के तेरे मूंह च पा दित्ता कि तेनूं फिर भी पीड़ा नहीं हुई। अगो जवाब बंदा बहादुर साहब दा कमाल दा सी, कहन लगे फ्रैक्सियर पीड़ा उसनूं हुंदी है जिसने इस तन नूं अपना समझिया होवे, पर जिसने इस तन नूं अपने गुरु की अमानत समझिया होवे उहदी जिंदगी विच पीड़ा दा कोई नाम नहीं है। यह है दृढ़ता, यह है इरादा, यह है पक्का इरादा। वह दृढ़ता किने दिखाई? तत्ती तवी ते बैठन वाले गुरु ने। दृढ़ता किने दिखाई? सिर ते रेता पाउन वाले गुरु ने। वह दृढ़ता किने दिखाई? बाबर नूं जाबर कहन वाले गुरु ने। वह दृढ़ता किने सिखाई? जिन्हें अकाल तख्त सामने अकाल तख्त ते बैठ के अज तो मेरी भेटा चंगा शस्त्र ते चंगी जवानी होवेगी, मेरी खुशी लैनी है तां कसरत करो, घोड़ सवारियां करो, कमजोरी कौमी गुनाह है जिसनों कदे माफ नहीं किया जा सकता, मेरी खुशी लैनी है मेरी खुशी लैनी है तो कसरत करो, घोड़ सवारी सीखो। क्या कमाल की दृढ़ता गुरु पातशाह कर रहे हैं। कहिंदे मौत तो डर तां लगता जीवन की जांच नहीं आई, कदम उच्चे करके चलने की गल सीखोगे मौत तुहाडे कदमां नूं चूमेगी, मौत तुहाडे पैरां नूं चूमेगी। बेशक तुसीं गिनती विच थोड़े हो पर एक छोटी जी तीली वड्डे सारे जंगल नूं सार के राह कर दिंदी है। ये वड्डे दरिया भी तो एक छोटे चश्मे विचों निकलते हैं, पर तुसीं तां इंसान हो, इंसान भी हो जिन्हां दे कालजे नूं हुणे तत्ती तवी दे रख के साड़िया गया है। जाओ धुम्मा पा दिओ, हुकूमत दे खिलाफ अपने आप नूं खड़ा कर लिया गया। किन्ना इरादा दृढ़ है। हुणे 3 साल पहलां बाप नूं तत्ती तवी ते रख के राड़िया गया सी, उस बाप का पुत्र 3 साल बाद अकाल तख्त ते बैठ खड़ा होके गल कह रहा है। इरादा देखो, इरादे दे कमाल दे इरादे हन। ये इरादा सी सिंघां दे अंदर भी असी मुगल हुकूमत दे अगे नहीं झुकना। इसे करके सरहद दे ओह दीवारां दी जदों गल करदे हाँ जिन्हां दा इतिहास असी सुनिया, किन्ने लालच दित्ते, किन्ना उहनां नूं कहा, ते अगे उहनां दा जवाब सी जुलम दे अगे सीस साडा ना झुकिया है ना झुकना खाना, तेरिया रंबिया छबिया पासों, तेरिया तेज कठारा पासों, गोबिंद सिंह का लोह नखीला ना मुकना ना सुकना खाना। देखो तो कमाल है, कमाल की गल है भी एक 7-9 साल के बच्चे इन्ना इरादा, इन्ना दृढ़ इरादा। वो कहते तू नीह चिण दे, कहते चिण दौ। अगो जवाब दिता, साढ़े सिर ते उसरिया हुई ये दीवारा बन जाण कौमी महल लई, बन जाण इसे बुनियादी खाना, वो खाना है तो बुनियादी खाना बन जाणगियां, जिहड़ियां नीहां बन जाणगियां साडे कौम दे महल खड़ा करन लई। बड़ी कमाल, किन्ना इरादा दृढ़ होएगा उहनां दा। सिंघां दा इक इरादा सी, प्रण सी कि कलगीधर पातशाह दे जाए हुए साहिबजादिआं नूं सरहद नूं विच शहीद करन वालिआं दी असीं इट नाल इट खड़काउणी है। 58 साल लगे उस जतन विच गल करना, सरहद नूं उजाड़िया, हालां बंदा सिंह बहादुर तों बाद दी मैं गल कर रहा, सरहद नूं उजाड़िया, फिर उजाड़ के सरहद नूं फिर जितिया।
इन्ना साल लगा, कोई सौखी गल नहीं सी सरहद नूं जाण लैणा। लाहौर दे टाकर दा शहर ते दिल्ली दे अंदर आउंदा सी सरहद। सरहद दी सिरपीड़ सुण के दिल्ली दीआं फौजां हीरां कत्त के आ जांदियां सन। कौन सूरमा सी जो सरहद वल गहरी अलक करके वेखदा? पर इह गुरू दे सिख सी। असां सरहद दी इंटरनैट खड़काउणी है। सुनण वाले कहिंदे इह झल्लियां वाली गल करदे ने, इह बाबरियां वाली गल करदे ने। सिंघां नूं तां सिर लुकाउण नूं थां नहीं मिलदी, ते गल्लां सरहद नूं खड़काउंदियां गल्लां करदे ने। ये तो सरहद के नेड़े भी नहीं फटक सकते, इन्होंने सरहद का की बिगाड़ सकना? ये अपनी सुख मंगन इदा दी गल्लां लोकी दे गल्लां करदे सन। किन्ने साल लंघे, सिंह दबा दबे रहे, बंदा आया बंदा सिंह बहादुर। सरहद उत्ते सिंघां का कब्जा होया, शहर वालिया पासों बहुत सारा रुपया लैके बंदे नूं शहर नूं उजड़ा ना दिता। दिलां दीआं दिलां विच ही रह गईआं, ते पंज महीनिआं मगरों सरहद बंदे पासों फिर पुछ गई चली गई। ठीक है, पर एक बार तो खड़का दिता। मुसीबतों के पहाड़ डुले सिंघां दे उत्ते, 30-35 साल तलवार चमकती रही, ते सिंघां दे सिर दे उत्ते तलवार हर वेले खड़ी रही। हौली हौली फिर सिंघ वधदे रहे। जस्सा सिंह नवाब कपूर सिंह, जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह आलूवालिया, अंत नूं जद शक्ति आई इन्हां दे कोल कट्ठे हो गए, ते पहला हल्ला सरहद दे उत्ते बोलिया कदों? तकरीबन सन 1757 की गल है, जद लाहौर दे मीर मनु दा शिकार खेड रहा सी। खालसा जी 10-12 हज़ार की भीड़ सी, एक सरहद दे उत्ते कट्ठे हो गए। अख दे फौर च जा कंध टप के शहर च वड़ गए। शाही सेना दे सुदे सेध होण तों पहलां ही शहर सोध दिता, ते घोड़िआं नूं अड्डियां ला के उत्थों जिहड़ी सी ठीकी वल जा के सिंघां ने साह लिया। इस सरहद उत्ते सिंघां दा पहला हमला सी। उदों बाद फिर सरहद दे उत्ते हमले किते। मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करदा, मैं सिर्फ इन्नी गल दसदा हाँ कि इरादा होना चाहीदा है। जे संबत 1820 की गल करिए, तकरीबन उदों महीना सी जनवरी का ही असीं कह सकते हाँ, माघ का महीना देसी महीना कहिंदे, जनवरी का महीना सी। खालसा फौज इकट्ठी करके सरहद के दुआले फिर खड़ी हुई। सन 1763 की गल है, 1762 जो वड्डा घल्लूकारा होंदा है। वड्डा घल्लूकारा वापण तो 3 महीनों बाद देखो सिंह 33-35 हज़ार तकरीब सिंह सिंगरिया बच्चे शहीद हो जाते हैं। उन्हों का मुख आगू जस्सा सिंह आलूवालिया 22 जख्म लगते हैं, फटड़ है, ट्रोली में इलाज करा रहा है। मुख जनरैल पासे करके उन्होंने भी परवाह नहीं की, मुख जरैल भी छड़ के उस तो बगैर जाके 3 महीनों बाद सरहद के वे घल्लूकारे हिस्सा लैन वाले जैन खान का मार के सरहद उत्ते सिंघां ने जाके कब्जा कर लिया। ये दृढ़ता है, इरादा है। डेरा ला के नहीं बैठे, खालस ने डेरे शहर तो बहर किए, अड अड हिस्से वंट ले। एक मिसल अपने आप अपने हिस्से ढाउन लगी, सारे कोड़ की इट इट कर दी, सब हवेलियां टा दिखाई, शहरा सह उजाड़िया, लखां दी बसों वाले शहर विच बंदा ना रह गया। हुण फिर की है, सरदारा ने पिंडां च खूते मंगाए, खूतियां दे हालात चलाए, हुक्म दिता कि सरहद दीआं 5-5 ईटां दरियावां च पाया करो। क्यों? कि सरहद नूं रुढ़ी हुई देखना चाहुंदे सन उस वेले, जदों कि गुरुवारी सरहद नूं कहा जांदा सी। उह सिंघां नूं सरहद दा लालच नहीं सी, ना ही सिंघां ने कोई सरहद अपने कब्जे च रखनी सी। सिर्फ सरहद मार के जां सरहद जित के किसी भी सरदार ने सरहद नूं ना कबूलिया, कबूलना तां किते रहा, सरहद अंदर रात कटनी भी पाप समझदे सन। पंथ ने गुरमता करके एक शहर भाई बुढ़ा भाई भगतू की लाश सी उहनूं दे दिता। लोकी आखदे सन कि सिंघ तां झल्लियां वालियां गल्लां करदे ने, सिंघां ने ऐसी दृढ़ता फड़ी हौली हौली सरहद नूं उजाड़ के ही छड्डिया। इह इरादा है, दृढ़ता जदों हो जाए किसी काम नूं, जिस कौम विच दृढ़ता होएगी भले हो तो कौम जो भी संकल्प धारेगी उसनूं जरूर पूरा करेगी। ऐसी कौम दे कम्मां विच सतगुरु जी आप भी बरकत पाउंदे हन, सतगुरु जी आप भी नाल होके चलते हन। बस कमी है तां अज दृढ़ता की कमी है, चढ़दी कला की कमी है। अज साडे अंदर ना उह दृढ़ता है ना उह चढ़दी कला है, कारण कि असीं गुरु दे नहीं होए। जदों असीं गुरु दे बन जावांगे, गुरु साडे अंदर फिर चढ़दी कला दा, गुरु साढ़े अंदर दृढ़ता का संकल्प भी भर देगा। तो यह दृढ़ता का संकल्प, चढ़ती कला का संकल्प कौम के भविख लिए होना बड़ा जरूरी है। असं निराशावादी होकर जिंदगी जीने,
फलाना जी असा गुरुद्वार च ये नहीं हो रहा, गुरुद्वारे फलाना कुछ नहीं हो रहा, गुरुद्वारे जी जी हाँ देखना, पर निराशावादी होके नहीं, इहदे चों आशावादी होके गल सोचिए, चढ़दी कला वाले पासे नूं अपने इरादियां नूं लईए, फिर कौम जिहड़ी है ये असीं कह सकांगे वी इह कौम नूं कोई खत्म ना कर सकिया है, ना खत्म कर सकेगा। मुसीबतां दे पहाड़ झुलदे ने, पर मुसीबतां नूं जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख सनेर भैनी जंग के कंचन माटी माने तो सिख्या लै के, ये कह के दुख नहीं सब सुख ही है रे, एक है एक ही नेते, बुरा नहीं सब भला है, भला ही है रे, हार नहीं सब जीते का संकल्प रख के, जिंदगी नूं जीउण वाले हमेशा जीवन की बाजी जित जाते हैं। मियां भुन्ना चुक्कां दी खिमां जी प्यार सहित फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।